ग्रॉसरी बिजनेस खोल के अच्छी कमाई की जा सकती है। ग्रॉसरी बिजनेस कैसे खोलें और क्या क्या उसमें लगता है, देखिए अगर ग्रॉसरी की बात करें तो ग्रॉसरी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 15% तक का मार्जिन हो जाता है। अब भाई 15% तक का मार्जिन कैसे मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट आप होलसेल से खरीद के लाएंगे फिर उसको रिटेल करेंगे तो उसी में आपको 15 से 20 मतलब कि आप 10 से 15 लगाइए, सीधे 10 से 15% का मार्जिन होता है, ज़्यादा नहीं। अब हर प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप के मार्जिन मिलते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको 10% का मार्जिन मिलेगा, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसमें आपको 5% का मार्जिन मिलेगा, और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको 20% तक का भी मार्जिन मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे हम करें, क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, देखिए हम जब कोई ग्रॉसरी स्टोर खोलते हैं तो उसमें हम एक चीज़ गलती करते हैं कि हम एकदम जैसे बहुत सारा सामान लेके आ जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि हम किस कैटेगरी पर काम करेंगे। पहले तो कैटेगरी आपकी ग्रॉसरी होनी चाहिए, डेली नीड्स के प्रोडक्ट होने चाहिए जो डेली यूज़ होते हैं, लगते हैं, वैसे प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपके बेच सकते हैं, उसी में हाउस होल्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाइपर हो गए और घर के जितनी भी ज़रूरतों के सामान हो गए वो भी आप अपने ग्रॉसरी स्टोर में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद अ ग्रॉसरी स्टोर और ऐसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ग्रॉसरी स्टोर में आप दो चीज़ कर सकते हैं, पहला या तो आप खुद होलसेल करें या तो आप रिटेल करें। होलसेल में आपको क्या करना होगा कि आप बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से डायरेक्ट सामान लेके आएँ, इसके बाद आप उसको फिर बेचें होलसेल रेट में, तो कई ऐसे भी काम हो जाते हैं। अगर आप रिटेल करेंगे तो रिटेल में भाई वही 10-5 रुपये की बिक्री, 20 रुपये 200 ऐसी बिक्री होती है, और होलसेल में सीधे इकट्ठा सामान जाता है 20,000-25,000 का, जो आपके वेंडर रहेंगे, जो दुकानदार रहते हैं, जो रिटेलर रहते हैं, वो आते हैं और वो खरीद के लेके जाते हैं प्रोडक्ट्स को और वो बेचते हैं फिर, है ना। तो ये होता है, वो रिटेल करते हैं, तो ज़्यादातर कमाई वैसे रिटेल में होती है। होलसेल में भी ऐसा है कि भाई अच्छा एक लंबा पैसा मिलता है और कमाई उसमें भी वैसी होती है भाई, होलसेल में भी वैसी प्रॉफिट होता है और रिटेल में भी, लेकिन रिटेल वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चूज़ जो करते टाइम आपको ये देखना है कि हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या हम सिर्फ ब्रांड पे खेल रहे हैं। ब्रांडेड पे अगर आप खेलोगे तो थोड़ा कमाई कम होगी, तो ऐसे लोकल प्रोडक्ट में भी बहुत सारी कमाई हो जाती है। जैसे कि आप हल्दीराम के प्रोडक्ट देख लीजिए, तो हल्दीराम के प्रोडक्ट में आपको कम बजट मिलेगा, कम मार्जिन मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर लोकल फैक्ट्री है, लोकल कोई मैन्युफैक्चरर है कि उसी नमकीन बनाने वाला, तो वो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा आपको देगा और कई चीज़ें आपको फैसिलिटी देगा, थोड़ा सा सुविधा देगा और कुछ बोनस वगैरह ज़्यादा दे सकता है अगर आप होलसेलर हैं तो, है ना। तो ये चीज़ होती है, ग्रॉसरी स्टोर खोलते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ग्रॉसरी स्टोर अगर आपको खोलना है इन रिटेल टाइप का, तो आप अपने गांव में खोल सकते हैं, अगर गांव में नहीं खोलना सिटी में है तो सिटी में खोल सकते हैं, है ना, जहां से आप हर महीने आप 5,000-20,000 रुपये कमा सकते हैं, 5,000 से 20,000 तक। गांव में खोलेंगे तो वहां भी 5,000 रुपये महीने कम से कम तो कमा ही सकते हैं। और चीज़ें ऐसे हैं भाई ग्रॉसरी की, लगना ही लगना है, बिकना ही बिकना है, तो ये सब चीज़ें करके आप अपना ग्रॉसरी स्टोर खोल सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करना मत भूलना, और अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन को प्रेस कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।